अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है कि आज नीट यूजी 2022 का एंट्रेंस एग्जाम था, तो इसका जो पेपर है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया है। तो मैं आपके साथ थोड़ा सा इसको डिस्कस करूँगा कि पेपर का पैटर्न जो है वो किस तरह की का आया था, कि स्टूडेंट्स का इसमें क्या रिव्यू है और एक्सपर्ट्स का इसमें क्या कहना है कि पेपर का पैटर्न कैसा है और एक्सपर्ट्स का क्या मानना है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा, वो सब कुछ हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम में जुड़े नहीं है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके ज्वाइन कर दीजिए। और इस पेपर का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, अगर आप वहां पे हैं तो आपने लिया होगा, अगर नहीं है तो ज्वाइन कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पेपर का पीडीएफ आपको वहां पे डाला होगा तो आप डाउनलोड कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पे अगर हम पेपर का पैटर्न देखें, स्टूडेंट्स का क्या रिव्यू है पेपर के पैटर्न में, देखिए स्टूडेंट्स का कहना है कि बायोलॉजी का जो सेक्शन है वो हर साल नॉर्मली स्टूडेंट्स को लगता है, तो इस साल भी स्टूडेंट्स काफी सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि बायोलॉजी का सेक्शन जो है वो नॉर्मली या कुछ ज्यादा हाई लेवल का आया। हाई लेवल क्या मतलब कि सर के ऊपर से गया नहीं, कि बायोलॉजी उन्होंने इजीली जो है उसको कवर किया। तो बात करेंगे केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो ठीक हद तक ठीक आ गया था। उसके साथ साथ अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह जो आए थे उनमें बच्चों को थोड़ा सा टाइम लग गया है उसमें, बाकी कोई ज्यादा हाई लेवल यानी कि बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस कहीं, तो वैसा भी यहां पे नहीं आया था। तो पेपर जो है वो ठीक ठाक ही आया था। फिजिक्स का अगर हम बात करें, यहां पे फिजिक्स तो हर साल जो है आ जाती है, टफ ही लगती है स्टूडेंट्स को, जिसने पढ़ा होगा तो उसको तो ना फिजिक्स लगा होगा ना केमिस्ट्री ना बायोलॉजी लगा होगा, जिसको ना जिसने ना प्रिपरेशन की होगी या जिसने ना पढ़ा होगा उसको ऑब्वियसली जो है वो तो टफ लग ही जाएगा। तो बहरहाल जो भी है सो भी है, पेपर आपका हो गया। अभी आप जो है कट ऑफ का अगर यहां पे मैं आपको बताऊं कट ऑफ का क्या कहना है कि कट ऑफ कहां तक जा सकता है, देखिए इस साल स्टूडेंट्स ने काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया तो कट ऑफ ज्यादा जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ एक गुड न्यूज ये भी है कि सीट्स बहुत सारी स्टेट्स में इंक्रीज हो गई है इस साल, तो उससे क्या होगा कि कट ऑफ जो है वो ज्यादा हाई जा नहीं सकता। बाकी जिस हिसाब से लास्ट ईयर का कट ऑफ गया तो उस हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। अभी कट ऑफ के बारे में आप कंफ्यूज मत हो जाना, कोई भी अभी नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली कितना कट ऑफ जा सकता है, क्या कट ऑफ जा सकता है, वो बिल्कुल एक गलत बात है, वो बोलना ही गलत है कि कितना जाएगा। अभी कोई कह नहीं सकेगा, ना ही अभी आंसर कीज वगैरह आए हैं ना ही कुछ आया है, बाकी आप वेट कर लो, आंसर कीज वगैरह आ जाएंगे, आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और आपका क्या रिव्यू है पेपर में और क्या कहना है आपको पेपर के बारे में जिन स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस आज दिया, तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा क्या रिव्यू है और कितने जो है कौन सा सेक्शन आपका जो है टफ लगा, कौन सा सेक्शन आपको ईजी लगा, वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी आपने जो पेपर किया सो किया, वो हो गया, अब आपको जो है परेशानी लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जितना आपसे हो सका आपने उतना किया, जितने मार्क्स आपके आए या जितने मार्क्स आपने किए उतना काफ़ी है आपके लिए। वेट कर लो काउंसलिंग के शेड्यूल का, जो ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपके साथ डिस्कस कर दिया जाएगा, रिजल्ट वगैरह जो ही आ जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड कर लेंगे। वीडियो में भी जो है चैनल पर भी हमारे साथ जुड़े रहिए और टेलीग्राम में भी जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म।